यार दोस्तों, कैसे हो? मजे में हो ना? चलो तो आज हम काव्य चौथ, काव्य का नाम है हम भारत की शान है। देखा बच्चों, काव्य का नाम ही इतना अच्छा है कि हम भारत की शान है। शान यानी कि प्रतिष्ठा। तो हम जो बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोग भारत की एक बड़ी प्रतिष्ठा है। इसलिए बच्चे जो चाहे वो अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। तो ये काव्य में भी हमें यही बताया गया है कि बच्चे अपने देश के लिए क्या क्या करते हैं, बच्चे में कितनी इच्छाएं है, वो बच्चे क्या क्या देश के लिए करना चाहते हैं, वही बात इस काव्य में बताई गई है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश के लिए वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम अपने देश के लिए कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस कार्य में बच्चों की जो धगस है, बच्चों को जो काम करने की धगस है, वो बताई गई है कि बच्चे अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और ये काम करके अपने काम करके वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ऐसा छोटा सा कार्य है लेकिन बहुत अच्छा कार्य है। तो चलो पहले हम कार्य का गान समूहन कीजिए और आप भी इस कार्य का मुखपाठ कीजिए। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी फैलाया आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी फैलाया आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे चाहिए करते काम महान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना ही, आगे ही बढ़ते जाना ही, ऊंचे ही उड़ते जाना ही, आगे ही बढ़ते जाना ही, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हम ही है धरती सारी फैलाया आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी फैलाया आसमान है। फूल है इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है, बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना ही, आगे ही बढ़ते जाना ही, ऊंचे ही उठते जाना ही, आगे ही बढ़ते जाना ही, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत के शान है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे।
सारी फैलाया आसमान है। देखा विद्यार्थी मित्रों कितना छोटा कार्य है, लेकिन इस कार्य के अंदर हमें बच्चों के जो काम करने की तरह से वो बताई गई है कि छोटे छोटे बच्चे अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसा बहुत अच्छा कार्य है जो देश के लिए बच्चों ने अपने देश के लिए क्या कैसे कैसे काम करते हैं वो बताया गया है। देखो तो यहाँ पे हम लोग पंक्ति समझते हैं कि पहली जो पंक्ति है वो पहली चार पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। नन्हे नन्हे हमें ने समझो हम भारत की शान है, हमसे ही ये धरती सारी फैलाई आसमान है। देखा विद्यार्थी मित्रों कि कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि नन्हे नन्हे हमें ने समझो, भले ही हम लोग नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन हमें नन्हे मत समझो, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत की शान है, हम भारत की शान है, तो हमसे लिए तो ये धरती है और ये आसमान जो है ये आसमान ही है तो हमसे ही फैला है, इसलिए हमें छोटा कभी भी मत समझना। तीसरी पंक्ति है फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे करते काम महान है। देखा विद्यार्थी मित्रों कि यहाँ पे दूसरी जो चार पंक्ति है वो दूसरी चार पंक्ति में भी कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि फूल है हम इस बगिया की, इस बगिया के हम फूल है, इस बगिया में जो खिले फूल है वो हम छोटे छोटे बच्चे ही है कि इस बगिया में जो फूल खिले है वो बगिया में फूल खिले है उसकी खुशबू फैलाना, इस बगिया बगिया में खुशबू फैलाना काम ही तो फूलों का है। बड़े चढ़कर आगे जाएंगे करते काम महान है, हम आगे में आगे ही बढ़ते जाएंगे और अनेक महान काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे खुशबू फैलाना जो काम बगियों में जो खुशबू फैलाते हैं वो फूलों ने फूलों की तरह हम लोग अच्छी तरह जो खुशबू फैलाते हैं वो खुशबू फैलाना काम भी होता है। और अंत में जो पंक्ति दी गई है ऊंचे ही उठते जाना है आगे ही बढ़ते जाना है, बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे हम भारत की शान है। देखा विद्यार्थी मित्रों यहाँ ऊंचे ही उठते जाना है, ऊंचे ऊपर ही उठते जाना है आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे जब भी जितने भी ऊंचाई पर हम लोग जा सकते हैं उतना हमें आगे जाना है, आगे में आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं है और अच्छे काम करते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे हम भारत की शान, हम तो भारत की शान है, हम भारत के बच्चे हैं, हम हमारे देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आगे में आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे हट कभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए तो कवि ने बताया कि हमें बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे हम भारत की शान है। बच्चों ने अपने घर में से कहा कि हम भारत की शान है, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते।
तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે ખૂબ સરસ કાવ્ય જે નાનકડું કાવ્ય છે પણ એ નાનકડા કાવ્યની અંદર ખૂબ સારી વાત કરવામાં આવી છે કે નાના-નાના ગુણકાઓ છે નાના-નાના બાળકો છે એ બાળકો પોતાના દેશ માટે ગર્વ અનુભવે છે અને પોતાના દેશ માટે એ અનેક કામ કરવા માટે તૈયાર છે એટલે જ કહ્યું છે કે આ ધરતી છે આ ધરતી ઉપર અમે ચારે તરફ ફેલાઈને ચારે તરફ રહીને અમે કામ કરીશું આ આકાશ છે આકાશ ચારે તરફ ફેલાયેલું રહે છે અને આ ધરતી પર અમે ચારે બાજુ રહીને અમે સરસ મજાના એવા સારા એવા કામો કરીશું બીજી વાત કરવામાં આવી છે કે બગીચામાં જે બગીચામાં ખીલેલા ફૂલો છે એને સુગંધ આપવાનું કામ જે કરે છે આ બાળકો ને સરખાવવામાં આવે છે કે બગીચામાં ખીલેલા ફૂલો જેમ આપણે સુગંધ આપે છે તેમ અમે પણ આ ધરતી પર રહીને અનેક કામ કરતા રહીશું અને અમારી ધરતીને અમે આગળ વધારતા રહીશું એટલે જ કહે છે કે વન ચરતા આગે જાયંગે કરતે કામ મહાન અમે આ ધરતી ઉપર રહીને આગળ ને આગળ વધતા રહીશું અને સારા સારા કામો કરતા ऊंचे ही उड़ते जाना ही आगे ही बढ़ते जाना है ऊंचाई पर हमें आगे ने आगे बढ़ता रहे सु अने सारा ये काम करता रहे सु अने हमारा जे हमारी धरती चे ए धरती ऊपर हमें क्या रे पान पीछे हट नहीं करे सु हमें हमारा धरती पर ना जे काम हो चे એ કામો ભલે અમે નાનકડા બાળકો છીએ નાનકડા બાળુડાઓ છીએ પણ અમે સરસ એવા કામો કરીશું અમે ક્યારે પણ અમારા દેશને આગળ વધારવા માટે અમે ક્યારે પણ પીછેહઠ કરીશું નહીં એવી સરસ મજાની વાત આપણને આ કાવ્યની અંદર કરવામાં આવી છે તો આ નાનકડા કાવ્ય પરથી હમ ભારત કી શાન હે અમે ભારતના ગૌરવો છીએ અમે ભારતના પ્રતિષ્ઠિયો છીએ કે અમે અમારા દેશ માટે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર છીએ આમ ભારત આપણો દેશ છે આપણા દેશ માટે આ જે નાના નાના ગુલકાઓ છે નાના નાના બાળકો છે આ બાળકોને અનેક આવી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવાની ઈચ્છા થાય છે તો આવા જ આપણા કેટલાક મહાન ક્રાંતિકારીઓ છે આ ક્રાંતિકારીઓ વિશે આપણને પણ આ કાવ્યમાં કેટલાક મહાન ક્રાંતિકારીઓ છે જેના નામ તમને હું એના પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બતાવીશ કે જે મહાન કાર્યકરો છે જે દેશ માટે અનેક કાર્યો કરી ગયા છે અને એને એ પોતાના કામો કરીને કેવી રીતે આગળ વધ્યા છે તે આ